नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार। इस खास पेशकश में हम आपको विश्व की प्रमुख परिघटनाओं से अवगत कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं श्रीलंका से। जी हां, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए अच्छी खबर है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक गत 3 माह में श्रीलंका ने पर्यटन क्षेत्र से $530 मिलियन की कमाई की है। आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका ने मार्च में $198 मिलियन कमाए, जिससे पहली तिमाही में पर्यटन आय $529 मिलियन हो गई। 2022 के पहले 3 महीने में श्रीलंका ने पर्यटन से $482 मिलियन कमाए थे। आपको बता दें कि श्रीलंका में बीते दिनों आर्थिक संकट की लहर से बड़ा सियासी बवाल भी देखने को मिला था, लेकिन अब वहां की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि स्थिति दुरुस्त होती जा रही है। क्या भारत में मुस्लिम खतरे में है? क्या भारत में मुस्लिमों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है? इन्हीं सब सवालों का जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेबाकी से दिया। आपको बता दें कि उन्होंने अमेरिका स्थित पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति किसी अन्य देश की तुलना में बेहतर है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। अगर भारत में उनका जीना मुश्किल होता या सरकार के समर्थन से उनका जीवन मुश्किल बना दिया गया होता, तो क्या मुस्लिम आबादी 1947 की तुलना में बढ़ रही होती? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई है। भारत की राजदूत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह सीमा पार से ड्रोन का इस्तेमाल कर अवैध हथियारों की आपूर्ति की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि ये सब पड़ोसी देश के अधिकारियों की मदद के बिना मुमकिन नहीं है। सुरक्षा परिषद में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात को विनियमित करने वाले समझौतों के उल्लंघन पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि इससे पहले भी आतंकवाद सहित कई अन्य मसलों को लेकर भारत पाकिस्तान की क्लास लगा चुका है। अब इस पूरे मामले पर आगामी दिनों में भारत का क्या रुख रहता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने योव गैलेंट को एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया है। आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही उन्हें मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया गया था। योव को ऐसे वक्त में रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है जब इसराइल और लेबनान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसराइली मीडिया के मुताबिक योव दोबारा रक्षा मंत्री का प्रभार संभालने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें समझाया। इसके बाद वे रक्षा मंत्री का प्रभार संभालने के लिए तैयार हुए। आपको बता दें कि इसराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब ऐसे में बतौर रक्षा मंत्री योव का क्या कुछ रुख रहता है, यह देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए न्यूज रूम पोस्ट के साथ।